धन्यानाम उत्तमं दाक्ष्यं धरानाम उत्तमं श्रुतं लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्यं सुखानाम तुष्टिरुत्तमा अर्थात धन पाने के सभी साधनों में उत्तम साधन दक्षता को, धनों में उत्तम धन शास्त्र ज्ञान को, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य को और सुखों में उत्तम सुख संतोष को कहा गया है। तो दक्षता शास्त्र ज्ञान आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य और सर्वोत्तम सुख के रूप में स्वीकृत हमारी सांस्कृतिक विशेषता अर्थात संतोष, इन सभी भावनाओं से जुड़ी अपनी प्रस्तुतियों को लेकर प्रभात की वेला में उपस्थित हूँ आज मैं नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें स्वागत सत्कार और नमस्कार के साथ सुप्रभातम। आइए आरंभ करते हैं सुप्रभातम के एक और नए अंक का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अपनी प्रस्तुतियां जिन्हें आप आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य मंत्र, योग प्रभाग, संस्कृत पाठशाला और एक प्रेरक वृत्त, इन नामों से जानते हैं। तो आज इन प्रभागों में क्या कुछ प्रस्तुत किया जाना है विशेष, यह जानने के लिए अगले आधे घंटे तक जुड़े रहें डीडी न्यूज के साथ। तो चलिए सुप्रभातम का आरंभ कर लेते हैं अपनी चिर परिचित पहली प्रस्तुति से, जो कराती है हमें समय की पहचान और प्रतिक्षण स्पष्ट किया करती है भारत की सामयिक विशेषता को। जी हाँ, अब समय है समय को भारत की चिर परिचित दृष्टि से प्रस्तुत करने वाले हमारे पहले प्रभाग आज के पंचांग का। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो समय परक भारत की चिर परिचित दृष्टि से आलोकित होने के बाद अब समय है सुमधुर, सार्थक और सर्वदा संप्रेरित करने वाले वचनों की प्रस्तुति अर्थात सुभाषित का भी, जहां हम और आप सांसारिक व्यवहार को व्यापक दृष्टिकोण से समझने और हृदयंगम करने का करते हैं सर्वतोभावेन प्रयास। अब अविलंब बढ़ चलते हैं आज की अपनी दूसरी प्रस्तुति अर्थात सुभाषित की ओर। दापयित्वा करं धर्म्यं राष्ट्रं नीत्या यथाविधि तथैतं कल्पयेद् राजा योगक्षेमानतन्द्रतः। एक राष्ट्र के द्वारा हर संभव विधि विधानों के साथ नीति पूर्वक व धर्मानुकूल कर का ग्रहण करना चाहिए और इसी को आधार बनाकर राजा या राष्ट्राध्यक्ष को बिना किसी आलस्य या प्रमाद के जनता का सर्व विधि कुशल क्षेम और कल्याण करना चाहिए। The king must make arrangement for the welfare of the people by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति का। वैदिक ज्ञान परंपरा अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा मानव के सर्वांगीण विकास पर आधारित है और इसके साथ ही यह मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा कल्याण प्राप्ति में सहायक अनेक क्रियाकलापों के वर्णन द्वारा मनुष्य को सुखी जीवन जीने की कला सिखाती है। आइए देखते हैं वैदिक ग्रंथों पर आधारित हमारी यह विशेष रिपोर्ट। भारत एक धर्म परायण और आध्यात्मिक देश है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलापों के मूल में कल्याण प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने में सहायक गो सेवा की महत्ता मनुष्य का सर्वोपरि दायित्व बताया गया है। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, गावः सर्वसुखप्रदाः, सदा गावः शुचयो विश्वधायसः,
आदि वर्णन के द्वारा बताया गया है कि गाय संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करने वाली, सभी को सुख प्रदान करने वाली तथा सदा पवित्र और सबका कल्याण करने वाली है। गौवंश भारतीय जीवन, संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग है। इसके महत्व को देखते हुए सनातन ग्रंथों में इसे श्रेष्ठ पशु बताया गया है। यज्ञम दुहानम सदमित प्रपीनम पुमानसम धेनुम सदनम रयीणाम, अर्थात गाय संपत्तियों का भंडार है। विश्वरूपा धेनुः कामदुघामे अस्तु, अर्थात मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होने के कारण गाय को कामधेनु कहा गया है। महाभारत में वर्णन है कि दाना नाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्यते, गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनम ह्येतदुत्तमम्, अर्थात गाय का दान सभी दान कर्मों में श्रेष्ठ है। गौएं सर्वोच्च और पवित्र हैं, अतः वेदों में गायों को अवध्य बताया गया है और गाय की हिंसा करने वाले को कठोर दंड देने का वर्णन किया गया है। मानव के लिए गाय की आवश्यकता को समझकर ही औषधियों के स्वामी धन्वंतरी ने भी गौ भक्ति और गौ सेवा कर आरोग्य प्रदान करने वाले गौ दुग्ध, गौ घी, गौ दधि आदि के मिश्रण से पंचगव्य की रचना की। भगवान श्री कृष्ण की गायों के प्रति सेवा भाव को प्रकट करते हुए महाभारत में वर्णन आता है, गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च, गावो मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्, अर्थात मेरे सामने, मेरे पीछे और मेरे चारों ओर गौएं रहें, मैं गायों के बीच में निवास करूं। भारतीय संस्कृति में गायों के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके संरक्षण के लिए भारत में गौ भक्तों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नाम आता है मूलतः बिहार के निवासी धर्म अध्यात्म भारतीय संस्कृति आदि विषयों के विद्वान प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी का, जिन्होंने सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति की आधार स्तंभ गायों के विविध पक्षों पर एक साथ 61 पुस्तकें प्रकाशित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सृष्टि के आरंभ से ही गौ के इतिहास का प्रारंभ होता है। वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत में गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्यान्य धर्म पंथों में भी गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। भारतीय गोत्र व्यवस्था का आरंभ गाय से ही होता है और प्राचीन काल में आर्थिक विनिमय का आधार गौ ही हुआ करती थी। भगवान भी गौ की रक्षा के लिए अवतार लेते थे तथा स्वयं गोचारण करते थे। उनका लोकप्रिय नाम गोपाल है। गाय चलता फिरता चिकित्सालय है और असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण गौ के पंचगव्य से होता है। हिंदू धर्म सनातन परंपरा में बिना पंचगव्य के कोई भी संस्कार आदि पूजा पाठ असंभव है। गाय भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरण का बचाव, विकेंद्रीय न्याय व्यवस्था, बेकारी निवारण, शुद्ध आहार, चिरंतर संपत्ति का निर्धर स्रोत है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा गायों पर लिखित इन पुस्तकों का लोकार्पण शंकराचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख और अनेक राज्यों के राज्यपाल कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति में गौ वंश के महत्व पर एक साथ 61 पुस्तकों के लेखन की डॉक्टर तिवारी की ये उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी भेजी गई है। भारतीय संस्कृति में गायों के वर्णन पर प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा किए जा रहे इस महनीय प्रयास से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व वैदिक ग्रंथों में वर्णित तथा मानव के लिए आवश्यक गायों के महत्व को स्वीकार करेगा और गायों के अधिक से अधिक संरक्षण में योगदान देगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति द्वारा ज्ञान से पुष्ट और संतुष्ट हो जाने के बाद अब क्रम है शारीरिक और मानसिक रूप से परिपुष्ट होने का। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रभाग स्वास्थ्य मंत्र की ओर, जहां हम जानेंगे कि मनोविकार व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया करते हैं
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मनोविकार है जो बार बार अवांछित विचारों, इच्छाओं या जुनून का कारण बन जाता है। क्या है यह अवस्था और इलाज के क्या विकल्प हैं हमारे पास, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी एक मनोरोग या मानसिक विकार है जो बच्चों, किशोरों या वयस्कों किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर इसकी शुरुआत कम उम्र से ही हो जाती है। ओसीडी आनुवंशिक और वंशानुगत कारकों के वजह से होता है। मस्तिष्क में रासायनिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने पर व्यक्ति को शक या संदेह की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हाथ धोने के बाद फिर से हाथ बार बार धोना, दरवाजे में ताला लगाकर बार बार जाके उसे चेक करना, ऐसी क्रियाएं करता है। ऑब्सेशन का मतलब यह है कि कोई भी थॉट या आइडिया या इमेज जो उसके मन में बार बार आता है, उसके ना चाहते हुए भी वो बार बार आ रहा है और उसको चाहकर भी उसको हटा नहीं पा रहा है। और जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक गंदगी को लेकर, या मेरा हाथ गंदा है, तो इस तरह के थॉट्स आते हैं, या बार बार किसी प्रकार का डाउट आता है, तो उसके संदर्भ में वो उसका कंपल्शन होता है। कंपल्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ को कोई एक्ट करना, जैसे अगर उसकी गंदगी है हाथ में तो वो बार बार हाथ धोएगा, या वक्त से एक उससे लिमिट से ज़्यादा जैसे नहाने में टाइम लगाएगा, या बार बार हाथ धोना, या बार बार दरवाजे को चेक करना, तो ये सिम्टम। और अगर वो नहीं करता तो उसको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसे करना पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति में तो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, इवन कईयों में डिप्रेशन भी हो सकता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक विकार है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ओसीडी से व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित होती है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ओसीडी का इलाज संभव है। ओसीडी का इलाज दवाओं से किया जाता है। साइकोथेरेपी ओसीडी के इलाज में उपयोगी है। यदि इस समस्या का इलाज न करवाया जाए तो व्यक्ति की दिनचर्या और सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगता है। इसके लक्षणों को पहचान कर इलाज करवाना आवश्यक है। दवा से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और दवा के अलावा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसको हम बिहेवियर थेरेपी कहते हैं या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। हम बातचीत के जरिए एक एक्टिविटी दी जाती है, तो उसके जरिए ठीक हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर और भी तरह की दवाइयां दे सकते हैं। सही इलाज करवाया जाए तो इस रोग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है और जटिलताओं से बचाव हो सकता है। यदि आपके मन में शक की स्थिति इतनी अधिक रहती है कि आप बार बार हाथ धोते हैं, एक बार ताला लगाने के बाद बार बार उसे चेक करते हैं, या सफाई करने के बाद भी बार बार गंदगी को साफ करते रहते हैं, तो ये चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि ये लक्षण हो सकता है ओसीडी का। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक के पास जाकर उनसे परामर्श लेना आवश्यक है। ओसीडी की पहचान कर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे समस्याओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।
जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पुनरपि स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। स्वास्थ्य मंत्र के प्रति अधिक समर्पित हम हो सके, एतदर्थ योग की उपयोगिता से भला अब कौन मुंह मोड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि योग हर स्वास्थ्य मंत्र का स्वयं में अभिमंत्रित, नियंत्रित और पवित्रीकृत स्वरूप है। तो इस अभिमंत्रित, नियंत्रित और पवित्रीकृत स्वरूप वाले योग की प्रस्तुति में आज क्या है विशेष, आइए यह देख लेते हैं। इनडाइजेशन, डाइजेशन का पुअर हो जाना, खाना ना पचना, गैस, एसिडिटी, खाना खाते ही मोशन होना या खाना खाते ही गैस हो जाना, ऐसी ब्लोटिंग हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी डाइजेशन से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर मन में एंजाइटी चल रही हो तो भी हमें IBS का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में बटरफ्लाइज होते हैं, और कभी हमें किसी अर्जेंट कहीं जाना हो, एंग्जाइटी हो, तो हमें लूज मोशन भी हो जाता है। यानी पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम आज बहुत सरल तरीके से जानते हैं। आपको बहुत सरल से कुछ काम करने हैं। सबसे पहली चीज, अपने मील्स का टाइम सेट कीजिए। इतने बजे मैं, चाहे आप 2 मील्स ले रहे हैं, 3 मील्स ले रहे हैं या 8 मील्स ले रहे हैं, बट हर मील का टाइम निर्धारित हो। इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे डिनर करूंगा। लेट्स से आपने 1 बजे लंच करना है तो 1 बजे ही लंच कीजिए प्रतिदिन। आधी समस्या तो अगर आप ये रूल अपना लेंगे तो दूर हो जाएगी। दूसरा काम आपको ये करना है, नियम भोजन का ये होता है कि पेट को हमें आधा भोजन से भरना है, 1/4 पानी के लिए स्थान होना चाहिए, 1/4 वायु के लिए। वायु नहीं छोड़ते तो वायु छोड़ते, वायु के लिए स्थान नहीं छोड़ते तो वायु छोड़ते रहते हैं, गैस हो जाती है। तो हमको क्या करना है, यानी भूख से आधा खाना है। तो जब भी भोजन करें कमर सीधी रख के भोजन करें, और भोजन के तुरंत बाद आप बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में कैसे बैठना है ये समझ लीजिए। वज्रासन में आप इस तरह से जमीन पर मैट बिछा के करेंगे और अपने एक पंजे पर दूसरे पंजे को टिका देंगे, आपकी एड़ियां खुली रहेंगी, खुली हुई एड़ियों में अपने हिप्स को टिका देंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। अब जब आप ऐसे बैठेंगे तो आपको साथ में लगानी है वायु मुद्रा। उसके लिए आप पहली उंगली को अंगूठे के टिप से छू दीजिए और अंगूठे को रोल कर लीजिए, बाकी की 3 सीधी रहेंगी। बहुत सरल है। और इस तरह से वज्रासन में वायु मुद्रा में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप बैठ जाइए, ठीक है। भोजन के तुरंत बाद आपने ये करना है। और उसके बाद आप 15 to 20 मिनट्स का बहुत हल्का टहलना, जिसे कहते हैं, वॉक नहीं कहेंगे, टहल लीजिए थोड़ा सा घर के अंदर ही। यदि आप ये नियम अपना लेते हो, रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लीजिए। ये सरल से नियम आपकी डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। आप स्वस्थ रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। अब समय है योग की इस प्रस्तुति के बाद योग भाषा अर्थात संस्कृत भाषा से भी संयुक्त होने का, युक्त होने का। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि हम आपको लेकर चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। तो आज संस्कृत की पाठशाला में समय है पुनरपि अभ्यास का, क्योंकि कहा भी गया है कि अनभ्यासे विषम विद्या। तो संस्कृत विद्या को अनभ्यास का शिकार होने से बचाएं, इसलिए कर लें हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत के वाक्यों का पुनरभ्यास। नमो नमः मित्राणि, भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है तो कहेंगे अग्रिमम स्थानकम किम अस्ति, अग्रिमम स्थानकम किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमम स्थानकम अस्माकम अस्ति, किम अग्रिमम स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु, एवमेव अग्रे चलतु।
यात्रा के समय आपका बैग ना मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः, मम स्यूतः कुत्र गतः, आपने मेरा बैग देखा क्या, अपि भवान मम स्यूतम दृष्टवान, अपि भवान मम स्यूतम दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी, अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा ढूंढते हैं तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित स्यात् अन्वेषणम कुर्मः, अत्र एव कुत्रचित स्यात् अन्वेषणम कुर्मः। यदि कहना हो वहां है तो कहेंगे तत्र अस्ति, तत्र अस्ति, यहां किसने रखा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः, अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता तो संस्कृत में बोलेंगे अहम् न जानामि, अहम् न जानामि, किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम् कमपि पृच्छ, अन्यम् कमपि पृच्छ, मैं अभी ही आया हूँ, अहम् तु इदानीम् एव आगतः, अहम् तु इदानीम् एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव, धन विषये जागरूको भव, कैसी ट्रेन है यह। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशम रेलयानम एतत्, कीदृशम रेलयानम एतत्, मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम् एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि, अहम् एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम् मम, एतत् आसनम् मम, आसनम् या स्थानम् कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव, मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव, अपनी टिकट दिखाइए, कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु, कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों इन वाक्यों को आप कहीं संजोकर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम, अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम्। संस्कृत वाक्यों का आप यूं ही करते रहें अभ्यास, क्योंकि संस्कृत भाषा है भारतीय ज्ञान परंपरा की मुख्य भाषाओं में से एक विशेष भाषा। हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो भी ग्रंथ हैं, विशेष रूप से संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, वो भारतीय संस्कृति की उच्चता को दिखलाते हैं, उदात्तता को दिखलाते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया आज के कार्यक्रम में पंचांग और सुभाषित, जिसकी भाषा मूलतः संस्कृत है। और साथ ही साथ जब आपने आज के स्वास्थ्य मंत्र को देखा, उसका भी आधार कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा के आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में हमें मिलते हैं। साथ ही संस्कृत भाषा, जिसे आपने संस्कृत पाठशाला में विशेष रूप से समझने की कोशिश की, जहाँ वाक्यों का अभ्यास हम आपको करवाया करते हैं, तो आप यूं ही इस तरीके से वाक्यों को बनाते रहें और कुछ कुछ जो भी विशेष महत्वपूर्ण बातें होती हैं संवाद का जो क्रम होता है उसमें संस्कृत के कुछ शब्दों को डालने की कोशिश करें, जिसके कारण आप संस्कृत को और भारतीय ज्ञान परंपरा को और भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर सकेंगे। तो प्रभात की वेला में हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम की इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर प्राभातिक वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों को लेकर पुनः आपके समक्ष हम होंगे उपस्थित। इसी उद्घोष के साथ मुझे अपने सभी सहयोगियों को दीजिए अपनी स्नेहिल स्निग्ध अनुमति। नमो वः, नमश्च सर्वेभ्यः भवद्भ्यः।